जय हो गुग्गा पीर जी की। दोस्तों मैं अभी अभी माड़ी के पास से आया हूं और वहां थोड़ी ही देर में दोस्तों भंडारा चलने वाला है। आप सभी से अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बेनती करता हूं कि दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आप गुग्गा माड़ी भी पहुंचें और वहां बाबा जी का भंडारा चखें तथा रात में चौकी लगाएँ और अपने जीवन को सफल बनाएँ। दोस्तों जो बंदा वहाँ पर दान पुण्य करना चाहता है दान पुण्य भी कर सकता है, जैसी जो कोई सेवा लगाना चाहे लगा सकता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वहाँ से आया हूँ और मैंने एक वीडियो डाली है जिसकी मैं अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी से अपने दोनों हाथों को जोड़ करके दोबारा फिर विनती करता हूँ कि बाबा जी के दरबार में गुग्गा माड़ी गांव पंडवाला में पहुँचें और भंडारा छकें बाबा जी का और अपने जीवन को सफल बनाएँ। और रात में बाबा जी की चौकी भी यहाँ पर लगाई जाएगी दोस्तों, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं दोस्तों, पूरे परिवार के साथ पधारें और बाबा जी का और सभी देवी देवताओं को दोस्तों आशीर्वाद प्राप्त करें। और बड़ा ही खुशियों वाला दिन है आज, यहाँ पर जो बाबा जी के दरबार में भंडारा चलाया जा रहा है। और ये देखिए पंडाल है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर भक्तजन बैठेंगे दोस्तों। और यहाँ पर अभी लाइट वगैरह भी लगा दी गई है, ऊपर की साइड देखिए, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक होने वाली है। और मुझे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम को जो है कवर कर रहा हूँ यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं भी अपने बच्चों को और पत्नी को लेकर के दोस्तों ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर बाबा जी के दरबार में, भंडारा खा करके आऊंगा और चौकी में देखते हैं क्या बनता है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि कवरेज भी करनी होती है दोस्तों थोड़ी बहुत या ज़्यादा जो भी हो, अपने जीवन को सफल बनाने में धार्मिक कामों के प्रति बंदे का आश्वासन और खुद को आश्वस्त करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये बड़े ही भागों वाला दिन आज आया है कि बाबा जी के दरबार में दोस्तों यहाँ पर चौकी लगाई जाएगी और भंडारा चलाया है। तो हमारे भगवान जी बाबा जी जो भक्तजन हमारे यहाँ पर भंडारा दे रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं उन सभी को अपना आशीर्वाद दें और अपनी छत्र छाया में रखें। और सभी देवी देवता भी दोस्तों उन सभी भक्तजनों को हमेशा ही खुश रखें जो यहाँ पर भंडारा दे रहे हैं और सेवा लगा रहे हैं और जिन्होंने डेकोरेशन वगैरह की है, जिन्होंने यहाँ पर साफ़ सफाई की है, साज सजावट की है बहुत अच्छी तरह से। और हमारे गुग्गा पीर जी दोस्तों वैसे भी बहुत प्रभावी देवी देवताओं में जिनकी गिनती होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली देवी देवताओं में गुग्गा पीर जी की दोस्तों गिनती होती है और मन की मुरादों को वो पूरी करते हैं। तो अभी अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइटें वगैरह लगा दी गई हैं, खूबसूरत नज़ारा है बाबा जी के दरबार का, बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा। और मैंने सोचा कि चलो भाई इसकी एक और वीडियो मैं बना करके अपने चैनल पर डाल देता हूँ ताकि मुझे भी अपने भगवान जी बाबा जी के चरणों में थोड़ा बहुत स्थान मिल जाए और मेरा जीवन जो है दोस्तों सफल बन जाए और आप सभी का आशीर्वाद भी दोस्तों मिलता रहे। और सभी देवी देवताओं से और गुग्गा पीर जी से ये भी आग्रह करूंगा कि आपकी चौकी में जितने बंदे यहाँ पर शामिल होते हैं, भंडारे में शामिल होते हैं, उन सबको आप सदा खुश रखें, सदा आशीर्वाद दें और उनकी झोलियाँ भरें और भरे उनके भंडार रहें। और हमारे भगवान जी बाबा जी दोस्तों सबके साथ यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत माहौल यहाँ पर बनते हुए, यहाँ पर भी भक्तजन बैठे हैं, कुछ विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है रात की तैयारियों को लेकर के। और कुछ और भी उधर उस तरफ दोस्तों देखिए, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको कि उस तरफ रोटियाँ भी बनाई जा रही हैं, तैयारियाँ सारी हो चुकी हैं दोस्तों भंडारे की, केवल भंडारा चलना मात्र बाकी है। उसके बाद यहाँ पर बाबा जी की जो है चौकी लगाई जाएगी और बहुत ही स्नेह भरा निमंत्रण आपको दोस्तों हम अपने चैनल के जरिए दे रहे हैं। वो देखिए सामने जो है रोटियां बनाई जा रही हैं वहाँ पर माताएं और हमारी बहनें जो हैं सेवा में लगी हुई हैं दोस्तों, वो देखिए सामने। तो बहुत ही भागों वाला दिन है आज दोस्तों और आशा करूँगा कि आप सभी पहुँचे यहाँ पर और अपने परमात्मा और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों जय हो गुग्गा पीर जी की, जय हो सभी देवी देवताओं की।